नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट इन फिजिशियन एट वी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट का केस डिस्कस करती हूं, जिनका नाम था दीपक। इनकी समस्या ये थी कि इनके रेक्टम एरिया में एक बॉयज़ था जिसे पस का डिस्चार्ज हमेशा होता रहता। पस बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बदबूदार था। जब भी पस बॉयज़ में सूजन आती थी तो उस दौरान इनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इसके साथ साथ इनके रेक्टम एरिया में इनको दर्द, जलन, चुभन का एहसास हमेशा बना रहता था। पेट साफ नहीं हो पाता था। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। इस समस्या से लगभग 5 साल से परेशान थे। ऑनलाइन माध्यम के जरिए इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और दवाइयाँ ली। 2 महीने के इलाज के दौरान आज ये 70% तक ठीक हैं। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो, हाँ जी, दीपक जी से बात हो रही है? हेलो हेलो, हाँ बताओ ना जी, मैं वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, अभी कैसे हैं आप सर? बढ़िया हूँ। जो मेडिसिन यूज कर रहे थे उसको, मतलब उससे आपको आराम मिला है कि नहीं अभी? हाँ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। अच्छा, अभी तक कितने परसेंट ठीक हो गए होंगे? अभी जो फुंसी बना वो अभी है, रहने को ठीक पूरा नहीं हुआ है। और भी अंदर में जो महसूस होता था ना वहाँ पे, वो कम हो रहा है। अच्छा, और जलन चुभन जैसे प्रॉब्लम भी हो रही है आपको? हाँ, वो कम हो गया, पहले से कम हो गया है। पहले से कम हो गया। और ब्लीडिंग तो नहीं होता? अच्छा, पस निकलता था। पस में अभी, मतलब पस का जो डिस्चार्ज होता था अब कम हुआ है ना पहले से? हाँ कम हुआ है। अच्छा, और जलन चुभन अभी जैसे आपने बताया तो हमेशा तो नहीं बना रहता, कभी कभी होता है ना? हाँ कभी कभी होता है, पर पहले से कम हो गया होने को। मतलब अभी लगभग 60-70% ठीक है? हाँ। चलिए, अभी मेडिसिन आप ले रहे ना? मेडिसिन ले रहा हूँ। नहीं देखिए, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए क्या है ना, आपकी प्रॉब्लम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है ना, अभी आप ट्रीटमेंट चल रहा है आपका। आप बस मेडिसिन अभी टाइम से लीजिएगा और खाने पीने का सर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए आप घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, कुछ ना समझ आ रहा हो तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। यदि आपको भी पाइस फिसर फिस्टुला जैसे किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही, जैसे कि रेक्टम एरिया से ब्लड का आना, रेक्टम एरिया में दर्द, जलन, चुभन का घंटों तक बने रहना, पेट का साफ ना हो पाना, खट्टी डकार का आना, या फिर रेक्टम एरिया से पस का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।